नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास। कई लोग मेरे से पूछते थे कि आप कैसे WCC3 खेलते हो। मैंने ऑलरेडी RC20 का गेम प्ले वीडियो बताया था कि कैसे मेरा सेटअप है, लेकिन आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी पे होने वाला है कि कैसे आप एंड्रॉयड गेम्स अपने PC में और इंक्लूडिंग द लैपटॉप में भी कैसे खेल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैं कैसे सेटअप करता हूं, मेरे कंट्रोल क्या है, कैसे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल करता हूं, साथ में माउस का भी यूज़ करता हूं। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त वो इम्यूलेटर जो मैं यूज़ करता हूं। मैं बता दूं, BlizzTex 4 मैं यूज़ करता हूं। मेरे आप RC20, WCC3, मेरे फ्री फायर, ये सारे गेम प्ले आप मेरे जो देखते हैं वो BlizzTex 4 में होते हैं। कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। मैं बता दूं, BlizzTex 4 से भी आप और भी इम्यूलेटर हैं, आप सर्च करेंगे एंड्रॉयड इम्यूलेटर्स तो आपको मिल जाएंगे। नॉक्स इम्यूलेटर हैं, कई लोग कहते हैं MSI ऐप प्लेयर है, लेकिन इस वीडियो में हम BlizzTex 4 के साथ जाने वाले हैं क्योंकि मैं वही खेलता हूं। और साथ ही साथ BlizzTex 4 की जो मैं सेटिंग्स दिखाऊंगा वो BlizzTex 5 में, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। साथ ही साथ लैग कैसे दूर करते हैं, इसमें कई लोगों को लैग होता है तो उसका भी मैं सजेशन दूंगा वीडियो के अंत में। अभी पहले देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो इस वक्त स्क्रीन पे मेरे गूगल खुला हुआ है, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा BlizzTex। अब देखिए, मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि आप चाहो तो लेटेस्ट वर्जन BlizzTex 5 है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा BlizzTex 5 भी आप ट्राई कर सकते हो। सेटअप और जो मैं आपको की कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा वो सेम ही रहने वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन मेरे PC में इस वक्त जो स्टेबल चल रहा है BlizzTex 4, तो मैं वही जा रहा हूँ। मैं भी जल्द ही BlizzTex 5 में अपडेट हो जाऊँगा जो करंट टूर्नामेंट पूरा हो जाए उसके बाद। जब आप BlizzTex 4 डाउनलोड पर सर्च कर देंगे, उसके बाद आपको दो स्क्रीन देखने को मिलेगी। एक पे होगा डाउनलोड BlizzTex ऐप प्लेयर फॉर PC, ये यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ BlizzTex 5 डाउनलोड करने को मिलेगा। 4 के लिए अलग लिंक होगी, वो भी मैं दिखाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यहाँ आ गए, इसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप ओपन होगा, अनफॉर्चुनेट मैं वो दिखा नहीं सकता लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आपको जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको सेव फाइल पे क्लिक करना है, उस पर आपको सेव फाइल पे क्लिक करना है। और सेव फाइल होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड होगा। वो इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो लिखा आ रहा है BlizzTex माइक्रो इंस्टॉलर _5.3 वाला, यही आपका अभी का इंस्टॉलर है जो मैंने अभी डाउनलोड किया, 1.1 MB का है। तो ये आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है, कुछ इस तरह का उसका ऑप्शन आएगा। मेरे में अपडेट लिखा आ रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, तो आपको अपडेट आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा। जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो लोकेशन पूछेगा, जनरली सी ड्राइव होगा, तो वो आप ओके कर देना और आपका ये BlizzTex 5 इंस्टॉल हो जाएगा, या फिर BlizzTex 4, वो आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। ये यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, आप उसके आगे की स्क्रीन अब मैं दिखाता हूँ। हम आ गए अपनी BlizzTex 4 डाउनलोड गूगल की मेन स्क्रीन पे। जो पहला सर्च आया था उसमें पहला जो सबसे पहले जो लिंक आ रही है उसमें डाउनलोड BlizzTex, ये आपको BlizzTex 5 डाउनलोड करेगा। ठीक उसके नीचे लिखा आ रहा है डाउनलोड BlizzTex 4 इंस्टॉलर कंपेटिबल विद योर PC। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा आ जाएगा 64-bit इंस्टॉलर या फिर 32-bit इंस्टॉलर, आप इनमें से जो आपका PC हो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और वही प्रोसेस है, क्लिक करना है 1.1 MB या फिर कुछ इसी के आसपास के साइज का इंस्टॉलर आएगा, उस पर सेव करना है, उस पर डबल क्लिक करके ओपन करना है, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर देना है ड्राइव में, और फिर आप अपने इम्यूलेटर के अंदर आ जाएंगे। इस समय जो स्क्रीन आपके सामने है वो है BlizzTex 4 की स्क्रीन। ऊपर लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पे लिखा आएगा कि आपका कौन सा वर्जन है BlizzTex का, और BlizzTex 5 का स्क्रीन कुछ इस तरह का है। यहाँ पर भी ठीक लेफ्ट में सबसे टॉप पे लिखा आ जा रहा है BlizzTex 5.something जो वर्जन है वो, तो दोनों की स्क्रीन में अच्छा खासा फर्क है। सब लोगों ने इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि WCC3 इंस्टॉल कैसे करें। मैं अभी एग्जांपल WCC3 ले रहा हूँ, एंड्रॉइड की आप किसी भी गेम को काउंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबसे पहले गूगल प्ले आएगा, ये ऑलरेडी इंस्टॉल आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है, वो ओपन होगा, उसमें वो लॉगिन का ऑप्शन पूछेगा, आपको अपने गूगल के जो ईमेल है और पासवर्ड है वो डालना है, और उसके बाद आपको ये स्क्रीन आ जाएगी। अब ये मत पूछना कि ईमेल पासवर्ड क्या डालूँ, वो आपको ही पता होगा, आपका ईमेल पासवर्ड जो भी है वो आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ सर्च पे जाना है, यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप लिखना चाहो तो WCC3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, WCC3 टाइप कर दो, और जो स्क्रीन पे आ रहा है जो आपको पहचानते ही होगे कौन सी गेम है उसको इंस्टॉल कर देना है। अब मैं कोई ऐसी गेम बता रहा हूँ जो मैंने इंस्टॉल नहीं किया, ताकि आपको पता लगे इंस्टॉल क्लिक कैसे होता है, नहीं तो कई लोग वो भी नहीं पूछेंगे, वो भी नहीं समझ पाएंगे। WCB मान लो मैं कर रहा हूँ इंस्टॉल, तो ये WCB आ गया, इसके लिए आप WCC3 सर्च कर लेना, ये इंस्टॉल ऑप्शन आ गया और ये आपका इंस्टॉलेशन चालू। इतना आसान है करना, इतना आसान है, जो भी साइज होगी वो अपने आप अपनी प्रोसेस से इंस्टॉल हो जाएगी और आप उसे ओपन कर सकते हैं। मैं आ जाता हूँ WCC3 को, हम लोग ओपन करते हैं, दिखाते हैं आपको कि किस तरह का है ये गेम और किस तरह का मेरा कंट्रोल सेटअप है।
तो ये आगे इसकी मेन स्क्रीन, आप जब F11 दबाएंगे तो ये स्क्रीन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी और उसके राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस। इसी में एक ऑप्शन है जिसपे कीबोर्ड का नाम बना हुआ है, कीबोर्ड का साइन बना है, उसमें लिखा है गेम कंट्रोल्स। सेम ऑप्शन आपको BS5 में भी मिल जाएगा देखने को, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस पर क्लिक करना है। तो इस वक्त आप जो सुन पा रहे हैं वो मेरे मोबाइल का वीडियो है, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत हाथ हाथ हिले तो माफ़ कर देना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी ओपेसिटी जो देख रहे हैं आप लोग, ताकि और बेहतर तरीके से बता दूं, मैं इसको मैं फुल कर दे रहा हूँ। इससे होगा ये कि मेरा सारा कंट्रोल गेम का दिखने लगेगा। और एक दो ओवर का मैच लगा रहे हैं और प्लीज़ गेम प्ले को माफ़ करना, बहुत गड़बड़ होने वाली है मुझे मालूम है। इसमें ओपेसिटी हो गई फुल, ठीक है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैच। साथ ही साथ अभी एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे ये जो बटन आ रहे हैं ना QEA, यही मेरे बटन सेटअप है। ये W भी देख सकते हो आप, ये सारे सेटअप जो है ये मैंने ही किए हुए हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या कंट्रोल है, कैसे मैं बैटिंग और बॉलिंग करता हूँ। मैच चालू हो गई है। अब देखिए मेरे एक हैंड में मैंने, आप देख सकते हो एक हाथ से मैं यहाँ पर ये मैनेज कर रहा हूँ माउस को, और जो मेरा दूसरा हाथ होता है वो कीबोर्ड पे होता है। और कीबोर्ड पे मैंने क्या सेटअप किया है, QAE और साथ ही साथ यहाँ पे W। ये सब चीजें जो भी हैं गेम की, जो ये माउस से ही मैं कर रहा हूँ। और आप चाहें तो ये माउस की जगह भी आप कोई भी अपना कंट्रोल डाल सकते हैं। अभी अगला ऑप्शन आएगा तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं वो। देखिए अभी हमारी जो आई है वो है बॉलिंग आई। अब देखिए बॉलिंग में तो क्या है, बॉलिंग में तो कोई मैंने सेटअप रखा नहीं। बॉलिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ माउस से मैनेज करना है। ये जो कर्सर दिख रहा है, अब यहाँ पे जाके जैसे टैप करेंगे वैसे हो जाएगा। तो ये चीज तो मेरी मतलब माउस से ही होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए बॉलिंग का हिस्सा तो बहुत सिंपल है, आप एक हैंड से भी कर सकते हो। असली ट्रिक आएगी बैटिंग में। साथ ही साथ एक और चीज सीख लेते हैं कि कैसे आप अपनी खुद की बटन दे सकते हो। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कोई बटन मेरा एलोकेट नहीं है, यहाँ पे एक खाली जगह पे W दिखाई दे रहा है आपको, वो W है, मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन यहाँ पे कोई बटन एलोकेट नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ये बटन ऑप्शन पे जाना है, ये जो कीबोर्ड का साइन है उसके अंदर ओपन एडवांस एडिटर करना है, वो आपके बहुत सारे ऑप्शन ओपन करेगा। और आपको क्या करना है, टैप स्पॉट, ये जो टैप स्पॉट है मतलब कौन से बंदे पे आप, कौन से हिस्से पे आप टैप करेंगे, उस पर एक बार चुन लेना है। और फिर एक स्क्रीन पे ये ऑप्शन आ जाएगा, वो रेंडमली आ रहा है तो इसको आप क्लोज कर देना। और फिर क्या करना, जहां पे आपको अपना बटन का कंट्रोल देना है, मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ पे एंटर का साइन देता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक टैप करूंगा माउस से और फिर एंटर का साइन दबाऊंगा, तो वो बता देगा कि जब भी आप एंटर बटन दबाओगे तो स्क्रीन का ये हिस्सा टच होगा। ऐसे कुछ इसका ये मैनेज होता है। इसको मैं सेव भी कर लूंगा सेटअप को, और एक बार हम इसको ऐसे क्लोज कर देंगे कंट्रोलर को, और फिर आप देख सकते हो कि अब जब जब मैं इंटर दबाऊंगा, ये देखिए अब मैं यहाँ पे अब एंटर दबाने जा रहा हूँ, और वहां पे आप नजर रखिएगा, बहुत दिक्कत है यार। और ये देखिए एंटर दबाते ही वो हिस्सा स्किप हो गया। अब जैसे यहां पर फिर ऑप्शन आया है, अब फिर से मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा वो काम करेगा। अब आई है बैटिंग। अब मैं आपको दिखाता हूं मैंने क्या कंट्रोल सेट किया हुआ है। मैं पहले थोड़ी बहुत विकेट गिरेंगे, इग्नोर करना उसको। ओपन एडवांस एडिटर आ चुका है आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे, और अब आप देख पा रहे हैं QAE। क्यू मतलब क्या है देख सकते हो, क्यू से मैं लॉब करता हूं, ए से एडवांस करता हूं, ई जो है मेरा वो स्प्रिंट का बटन है, क्योंकि वो पूरा जो स्पॉट है ना ये स्प्रिंट के लिए है। और बाकी का हिस्सा मैं बताता हूं W का क्या यूज है। W को समझने के लिए आपको एक शॉट लेना होगा, दिक्कत ये है, चलो कोई नहीं अभी हम लोग लेंगे शॉट। ये देखिए ये जो W है ये मेरा रन है, तो अब आप समझ गए होंगे मैं किस तरह से मैनेज करता हूं। तो कुछ इस तरह से मेरा कंट्रोल है, देख सकते हो आप, मेरा जो एक हाथ रहता है, राइट हैंड जो रहता है वो भाई इस माउस पे रहता है, और जो दूसरा मेरा लेफ्ट हैंड रहता है वो QWE पे रहता है। क्यू से मैं लेफ्ट लॉफ्ट करता हूँ, हटाता हूँ, करता हूँ। ए हमारा एडवांस शॉट के लिए, ए से मुझे याद रहता है कि एडवांस शॉट करना है, क्यू के नीचे भी मैंने रखा है ताकि मुझे पता लगे कि हाँ भाई एडवांस शॉट के लिए। और W से आप देख सकते हैं मैं रन दौड़ाता हूँ, ई से मैं यहाँ पे स्पिन ऐड करता हूँ, QWE, यही मेरा कंट्रोल इसी तरह से चलता है। अब यही चीज आप किसी भी गेम्स में ट्राई कर सकते हो, आपको बस करना ये है कि ये गेम कंट्रोल पे जाना है, ओपन एडवांस एडिटर करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जा रहे हैं, डीपैड भी आ जा रहा है। RC20 का मैंने वीडियो बनाया, प्लीज RC20 वीडियो देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। और डीपैड ऑप्शन वहां पर ऐड यूज होता है, आप डीपैड पर क्लिक करेंगे स्क्रीन पे डीपैड आ जाएगा। आप चाहो तो इसको 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 यहाँ पे कहीं भी लेना चाहो वहां ले सकते हो, जहां हो स्क्रीन में आपका हिस्सा अब वहां सेट कर सकते हो। बाकी की चीजें भी है, एम ऑप्शन है, स्वाइप ऑप्शन है, अब जैसा चाहो वो कंट्रोल रख दोगे आप वो सेट हो जाएगा। तो सारा कंट्रोल का हिस्सा यहां से मैनेज होता है, और सेव करना मत भूलना। ये हमारी स्टंबल गाइज ओपन होगी, और नीचे देख सकते हैं मैंने जॉयस्टिक को सेट किया है, और जंप के लिए मैंने स्पेस डाला हुआ है, तो ये भी मैंने कस्टम सेट किया हुआ है। एक बात और मैं बता दूं,
जब आप कंट्रोलर सेटिंग्स में जाते हैं, ओपन एडवांस एडिटर ओपन करते हैं, यहां पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ सेव का ऑप्शन आता है। आप हर बार एक नया कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो, मतलब ये मेरा जो कंट्रोल है, ये देखो, ये कस्टम का भी मेरा कंट्रोल है, स्टंबल का इसके लिए मैंने अलग बनाया है। आप जैसे क्रिएट न्यू स्कीम करेंगे ना, एक नया आ जाएगा स्क्रीन, देखो पूरा ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे आप जो गेम हो उस गेम के हिसाब से उसको सेट कर सकते हो और उसको नाम भी दे सकते हो कि जैसे मान लो ये मेरा RC20 का गेम प्ले है। कस्टम पे आप जाना है आपको, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, RC20 टाइप कर देना है, ये हो गया आपका RC20 के नाम से सेव रहेगा। अभी मैं खेल रहा हूँ स्टंबल गाइस, तो आप स्टंबल गाइस सिलेक्ट कर लो तो वो आपका कंट्रोल वापस आ जाएगा। तो ये चीज आपको बहुत हेल्पफुल होती है और मैं बता दूं यही रूल हर जगह है, BlueStacks 5 में भी इसी तरह से ही करना है आपको। आ जाते हैं हम लोग हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है कैसे आप इसमें लैग कम कर सकते हैं, और इसका जवाब छिपा है वर्चुअलाइजेशन में। वर्चुअलाइजेशन का फायदा क्या है उसके ऊपर आप जब पढ़ेंगे तो शॉक रह जाएंगे। यहाँ पे 5 गुना परफॉर्मेंस आपका इंक्रीज कर देता है, और एक से ज़्यादा जो CPU के कोर्स हैं वो यूज़ करने के लिए वो इनेबल कर देता है। साथ ही साथ जो आपका गेम में लैग होता है FPS का 20-30 आ रहा है या उससे भी कम आ रहा है तो वो भी ठीक कर लेता है ऑलमोस्ट 90% गेमों में। और साथ ही साथ आप कोई भी गेम इस जैसे वर्चुअलाइजेशन ऑन करते हैं आप, वैसे ही आप किसी भी हाईएस्ट सेटिंग्स में खेल सकते हैं। मेरा फ्री फायर आप देखोगे मैं अल्ट्रा में खेलता हूँ, तो ये वर्चुअलाइजेशन का फ़ायदा है। अब मैं बात कर लूँ वर्चुअलाइजेशन करते कैसे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे ट्रिकी पार्ट है कि आप इसको ऑन करने के लिए आपको अपने PC अपने लैपटॉप के एक ऐसे हिस्से को ऑन करना पड़ता है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर थोड़ी सी गलती की आपका तो पूरा आपका PC आपका जो लैपटॉप है वो बिगड़ने का रिस्क है, ये मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ आगे बताने से पहले। दूसरा अगला हिस्सा आता है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने चुना हुआ है। इससे होता ये कि इंटेल के जो CPUs हैं उनके लिए अलग होता है, AMD के CPUs के लिए अलग होता है। तो मैं आपको स्पेशली नहीं बता सकता कैसे ऑन करते हैं, लेकिन जब आप अपने लैपटॉप को अपने PC को जब स्टार्ट करते हैं आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना अपने CPU का नाम, हाउ टू इनेबल वर्चुअलाइजेशन, हाउ टू एंटर इन टू द BIOS में कैसे एंटर करते हैं। वो हर PC के लिए अलग, आप में अलग CPU है तो आपके लिए अलग होगा, अगर आपके दोस्त के पास अलग CPU है तो उसके लिए अलग होगा, तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ पर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें आप देखने वाले हैं कि अगर आपका MSI का मदरबोर्ड है तो उसमें कैसे वर्चुअलाइजेशन ऑन करते हैं। सबसे पहले आपको अपने PC को ऑफ कर देना है, उसके बाद आपको F2 दबाना है और डिलीट की दबानी है, उसके बाद आपका BIOS का सिस्टम आएगा कुछ इस तरह का। बता दूं मैं फिर से, हर PC के लिए हर लैपटॉप के लिए अगर आपके पास अलग है तो वो अलग स्क्रीन होगी। मेरा ये मेरी स्क्रीन भी नहीं है, मेरी स्क्रीन रेड कलर की आती है और एकदम अलग है। मेरा B450 मैक्स है मदरबोर्ड, तो वो अलग आता है इसमें। तो वहाँ पे आप जाएंगे, उसके बाद आपको एडवांस का ऑप्शन दिखेगा, एडवांस के अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पे CPU कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे आपका जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है। अब देखिए इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास इंटेल का CPU है तो वहाँ इंटेल लिखा होगा, AMD का है तो वहाँ अलग लिखा होगा। और प्लीज़ कोई और सेटिंग्स मत चेंज करना, अगर चेंज की तो आपका जो PC या लैपटॉप है उसके बिगड़ने के चांसेस हैं। उतना ही करना जितना समझ में आए, रिस्क मन में लेके चलना, थोड़ा क्लियर होना, उसके बाद ही सेटिंग्स ट्राई करना। और हाँ, वर्चुअलाइजेशन ही एकमात्र तरीका है। हाँ, आप रैम बढ़ा देते हो, 32 GB कर देते हो तो फिर बात अलग है, पर अगर आप जो अभी भी जो भी सेटअप में खेल रहे हो अगर उससे अच्छा करना चाहते हो सेम सेटअप में, वर्चुअलाइजेशन को चेंज करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो ये थी वीडियो भाई, अब मैंने बेस्ट कोशिश की कि छोटी से छोटी कर सकूं, जो टाइमिंग आया है वो मेरे ख्याल से बेस्ट है, समझाने के लिए इनफ है। अगर फिर भी कुछ सवाल हो प्लीज़ वीडियो देख के कमेंट करना, मैं अगर रिकमेंड अगर आप कमेंट करेंगे जिसके जवाब वीडियो में है तो मैं कहूँगा फिर से वीडियो देख लो, तो उतना कर लेना, वीडियो में ही ऑलमोस्ट सारे जवाब हैं। कुछ कन्फ्यूज़न अगर है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कर सकते हैं। बाकी ले रहा हूँ विदा, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सपोर्ट करना लाइक के थ्रू, सब्सक्राइब के थ्रू। बाय बाय, टाटा, गुड डे।